फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है नेपाल टीम आपका टाटा स्टील स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2024। और अब दुनिया के सबसे ऐसी जगह से आते हैं जहां पे दुनिया भर के क्लाइंबर्स जाते हैं, माउंट एवरेस्ट है आपके यहाँ, बट ये क्लाइंबिंग की चुनौतियां कुछ अलग होती है, तो आप कैसे बयां करना चाहेंगे? तो धन्यवाद, सबसे पहले धन्यवाद हमारे नेपाल टीम से आपको, और हमको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और ये जो माउंटेन क्लाइंबिंग है और ये स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग ज़्यादातर ये जो एंड्यूरो टाइप का होता है उसमें ज़्यादा ताकत रहना चाहिए। ये स्पोर्ट क्लाइंबिंग में क्या होता है, ये इसमें भी ताकत लगता है, लेकिन इसमें आपका स्ट्रेटजी एट द सेम टाइम। ऑल्सो इन द माउंटेन क्लाइंबिंग देयर विल बी स्ट्रेटजीज, बट आई थिंक माउंटेन क्लाइंबिंग इज हाई रिस्कर riskier than the sport climbing. So, आपकी जर्नी कैसी रही है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में, कुछ हमारे अपने बारे में बताइए जर्नी को लेकर। ओके, तो क्या है, मेरा जर्नी बहुत ऐसा हुआ, सरप्राइजिंगली मैं ये स्पोर्ट क्लाइंबिंग किया। पहले तो मैं सोचता था कि ऐसा कोई हिमालय पहाड़ चढ़ू, फिर उसके बाद माउंटेन चढ़ू, फिर उसके बाद क्या हुआ ना, For the first time, I think I have seen mountain rock wall climbing at the age of 24. So I climbed for once, and after that, I feel like it's very good, interesting. And after that, like it took me 1 year to decide to climb. And after 25 age, I started climbing, and still I'm climbing. It's been 5 years. So. Team Nepal की क्या planning है आने वाले future, बड़े Asian Games हो गए, वर्ल्ड कप हो गए या ओलंपिक्स हो गए, उनको लेकर क्या प्लानिंग है आपकी अब तक? अभी तक तो क्या इतना प्लान नहीं था, अभी यहाँ आने के बाद लग रहा है कुछ प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे हमने नहीं बोल सकता है, लेकिन मैंने कभी इंटरनेशनल गेम नहीं खेला था, ये तो मेरा पहली बार है। तो अभी जाकर मालूम पड़ा कि टक्कर कैसा रहेगा, तो इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा हमारे टीम को। तो हम अब यही कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करके और अच्छा से परफॉर्मेंस दे। आपको अरेंजमेंट्स कैसे लगे टाटा स्टील की तरफ से, जो भी हमने किए आप सबके लिए? अच्छा, तो अरेंजमेंट हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपका सबसे खूबसूरत पल जो आपने यहाँ पे बिताया हो क्लाइंबिंग के टाइम पे, क्या कोई ऐसा खूबसूरत पल हमसे शेयर करना चाहेंगे आप? सबसे खूबसूरत पल वो मुझे क्या लगा कि मेरा लीड पंप में क्वालिफायर राउंड में सबसे पहला नंबर पे था, तो मुझको जाना पड़ा था, ये सबसे खूबसूरत पल था, मुझको सबसे पहला मेरा पहला नंबर था। तो ओके, थैंक यू टीम नेपाल।